सनसनीखेज बयान, सनातनी घमासान, क्या है ये मामला? खबर उस विवाद की जिसके केंद्र में इस्कॉन है, वही इस्कॉन जिसके दुनिया भर में 800 से ज्यादा सेंटर्स हैं। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर चर्चा में यह खबर है, न सिर्फ चर्चा में है बल्कि एक्स पर तो टॉप ट्रेंडिंग है। आप देख सकते हैं साफ लिखा है और हैशटैग इस्कॉन ट्रेंडिंग विद मेनका गांधी। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर में इससे जुड़े हजारों कमेंट आ रहे हैं, सैकड़ों वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया गया है। आरोप लगाए गए कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है। यह आरोप बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने लगाए। इस्कॉन ने इसका जवाब भी दिया है, मेनका पर पलटवार भी किया है। ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको वो आरोप देखने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। सुना आपने, ये आरोप बहुत गंभीर है। सवाल भी उठते हैं, क्या इस्कॉन गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है? क्या इस्कॉन की गौशालाओं में सूखी गाय और जो हैं और बछड़े नहीं हैं? क्या इस्कॉन गौशालाओं का संचालन लाभ के लिए करता है? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल लाखों लोग पूछ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जवाब जानना भी अहम है, लिहाजा हमने इस विवाद पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। सबसे बड़े जो यहां देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। पहले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद किसी और ने। ये मेनका गांधी के वो बड़े आरोप हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ गए होंगे, सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिरकार इस्कॉन ऐसा कैसे कर सकता है, गौशाला की गाय कसाईयों को कैसे बेच सकता है, वो भी सिर्फ रुपयों के लिए। लेकिन मेनका गांधी का दावा है कि इस्कॉन ये सब कर रहा है, और इस बात का अंदाजा उन्हें तब हुआ जब उन्होंने आंध्र प्रदेश के आनंदपुर में इस्कॉन गौशाला का दौरा किया। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। मेनका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने इस्कॉन पर भी बड़ा हमला बोला। पहले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा, तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। इस्कॉन ने भी मेनका गांधी के हर आरोपों पर डिटेल में जवाब दिया है और तीखा पलटवार भी किया है। पहले इस्कॉन का जवाब सुनिए। श्रीमती मेनका गांधी जी के सभी झूठे गलत बयानों को इस्कॉन खंडन करता है। ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। जिस आनंदपुर गौशाला की बात करते हैं उसमें 240 ऐसी गायें हैं प्रभु जी जो कि दूध देती नहीं, उनकी भी सेवा हम कर रहे हैं। 76 बैल हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, और जो दूध देने वाली गायें वो तो बहुत ही कम है। इस्कॉन कम्युनिकेशन के डायरेक्टर ब्रजेंद्र नाथ दास ने मेनका गांधी को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि देश भर में इस्कॉन की 60 गौशालाएं हैं, अगर वो चाहें तो सभी को जाकर देख लें। कहीं नहीं गई इसका, हमारे पास तो कोई जो स्थानीय हमारे गौशाला के निरीक्षक उनको तो पता भी नहीं कब गई क्या गई, ये भी कन्फ्यूजन है, राइट। लेकिन पूरा 60
पूरे भारतवर्ष में इस्कॉन की 60 गौशालाएं हैं, है ना, आप आइए देखिए। इस पूरे विवाद पर इस्कॉन की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसमें मेनका गांधी को शुभचिंतक बताया गया है, साथ ही उनके बयान पर हैरानी भी जताई गई है। अब इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है। मेनका गांधी के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने पहले राधास्वामी सत्संग को निशाना बनाया और अब कृष्ण के उपासकों पर कसाईयों को गाय बेचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आखिर में यह भी लिखा है कि दुनिया भर के इस्कॉन के अनुयायी इससे दुखी हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इस्कॉन के करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में मौजूद करोड़ों कृष्ण भक्तों के लिए ही इस्कॉन ने करीब 800 सेंटर खोल रखे हैं। इनमें करीब 500 मंदिर विदेशों में हैं और करीब 250 से 300 मंदिर भारत में मौजूद हैं, जहां सुबह शाम श्री कृष्ण की आराधना होती है।